मेरे वालिद अपने हुक्म देते थे कि मेरे लिए बिस्तर पर खाने का इंतजाम करो। जब खाना खा लेते थे तो फौरन अपनी प्लेट को वापस कर लेते थे कि जाओ प्लेट वापस रख कर आ जाओ। अगर हमें खाने की प्लेट रखने में कुछ ताखीर हो जाती तो हम पर गुस्सा करते थे। एक दफे मुफ्ती शफी साहब ने मुफ्ती तकी साहब ने पूछ लिया कि वालिद हमें कुछ ताखीर हो जाती है प्लेट रखने में तो आप हम पर गुस्सा करने लगते हैं, आप नाराज हो जाते हैं, इसकी वजह क्या है? उस वक्त मुफ्ती शफी साहब ने फरमाया कि मेरे रूम के अंदर, मेरे कमरे के अंदर जिस पर मैं लेटा हुआ हूँ, जिस पर मैं अपनी आखिर का आखिरी वक्त गुजार रहा हूँ, मैंने अपनी वसीयत नामे में यह भी लिखा है कि इस रूम के अंदर और इस कमरे के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो मेरी मिल्कियत की है और इसके अलावा हर जितनी चीज़ें हैं वो मैंने अपनी बीवी के नाम कर दिया है और मैं नहीं चाहता कि उम्र के इस आखिरी दौर में मैं मर जाऊँ और मेरी बीवी की कोई चीज़ मेरे पास रह जाए। ये चीज़ें मेरी बीवी की अमानत है। आप अंदाजा लगाइए, एक घर के अंदर अपनी बीवी का सामान है फिर भी उसको अपनी पहुँचाने की फिक्र है, क्योंकि आलिमे दीन ये बुजुर्ग ये बुजुर्गान दीन ये जानते थे कि शरीयत ने अमानत को कितना हम लोगों ने दिया है। ये अमानत शरीयत में बहुत बड़ी चीज है, अगर हम इसको जाया कर देंगे तो कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हमें जवाब देना पड़ेगा। उलमाए किराम लिखते हैं कि शरीयत के अहम मकासद पांच है, एक जान की हिफाजत, एक माल की हिफाजत, एक इज्जत की हिफाजत, एक दीन की हिफाजत और एक अक्ल की हिफाजत। पांच चीजें बुनियादी रुकन है और पांच चीजें दीन का मकसद है। अब उसमें से एक अहम चीज है अक्ल की हिफाजत। अल्लाह तबारक व तआला ने अमानत का जो हुक्म दिया, ये अमानत का हुक्म सिर्फ यही नहीं है कि किसी से कोई चीज ले ली जाए और उसको वक्त पर पहुंचा दी जाए, बल्कि अमानत का मफहूम बहुत वसी आरीज है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जान दी है तो ये जान की अमानत है, जिस्म की अमानत है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म के अंदर हाथ पैर आँख दिमाग ना जाने कैसी कैसी चीजें रखी है, ये तमाम अल्लाह तबारक व तआला की अमानतें। अगर हम किसी के यहाँ मुलाजमत करते हैं, नौकरी करते हैं तो ये मुनासिबत भी अमानत है, वक्त भी अमानत है। हालांकि हदीस शरीफ में आता है अल मजालिस भी अमानत, के मजलिसें भी अमानत है। अगर किसी कोई खास किस्म की कोई मजलिस रखता है और उसमें कोई खास खास अफराद को शामिल करता है और उस मजलिस में अगर कोई मशवरा होता है तो ये मशवरे की बात अगर कोई शख्स फुला दूसरे आदमी को बताता है तो ये मजलिस खयानत करने वाला है, ये बातों में खयानत करने वाला है। तो खयानत का मफहूम बड़ा वसी आरीज है। पांच बुनियादी मकासद में से एक अहम चीज अक्ल भी है और ये अक्ल अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई बहुत बड़ी अमानत है।
अपने शरीर को समझने के लिए छोटी सी मिसाल यह है, वरना तो एक बार निश्चार होगा कि जो दूसरे जानवर है वो भी भूख लगती है तो खाने का इंतजाम करते हैं। अगर कोई उनको शिकार करता है या कोई उनको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो भी अपना बचाव करते हैं। इंसान को भी जब भूख लगती है वो भी खाना तलब करता है। अगर इस इंसान पर भी हमला अगर होता है ये भी अपने उसको अपने आप को बचाने की फिक्र करता है। अक्ल दोनों में है, जानदार में भी है, दूसरे जानवरों में भी है और इंसान के अंदर भी है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को जो अक्ल अता फरमाई है वो अपने सलीम अता फरमाई है। अपने सलीम को समझना बहुत आसान है। एक छोटी सी मिसाल मैं पेश करूँगा कि अपने सलीम ये है कि कोई भी जानवर कोई भी जानदार अगर तमाम लोग मिल जाए और इंसान को अपने पसंद करना चाहे, इंसान को अपने काबू में करना चाहे तो वो नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ऐसी अक्ल अता फरमाई कि वो किसी भी जानदार को अपने काबू कर सकता है। लेकिन कोई जानदार इंसान को अपने हुक्म और इशारों को बचा नहीं सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपने सलीम से नवाजा है, इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मुकल्लफ बनाया। तो ये अक्ल अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई बहुत बड़ी अमानत है। अब इसकी अमानत की हिफाजत करना क्या है और इसकी खयानत करना क्या है, ये चीज हमें भी पता होनी चाहिए। अब इसकी अक्ल की हिफाजत करना ये है कि इंसान हर ऐसी चीजों से बच जाए जो इसकी अक्ल पर हावी हो जाए, जो इसके अक्ल को माउफ कर दे और खत्म कर दे। इंसान को हर ऐसी चीजों से बचना चाहिए, यही अक्ल की हिफाजत और अमानत है। अगर इंसान ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने लगे कि इंसान की अक्ल माउफ हो जाए, इंसान की अक्ल पर पर्दा पड़ जाए तो यह सरासर अमानत में खयानत है। अब वो चीजें क्या है कि इंसान का दिमाग इंसान की अक्ल जिससे काम करना बंद कर देती है। आज माशरे में हम नजर दौड़ाते हैं तो हमें एक ही चीज नजर आती है, वो है नशा करना, वो है शराब पीना, वो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना, धर्म अपयोग और ना जाने कैसी कैसी चीजें माशरे में मौजूद आ चुकी है, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना ये सरासर अमानत में खयानत करना है। कल कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर इन चीजों का जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे, ऐ इंसान मैंने तुझको अक्ल सलीम अता की थी, तूने इस अक्ल से क्या किया, क्या तूने अमानत की हिफाजत किया नहीं। मैंने तुझे तो इस चीज के लिए अक्ल दी थी ताकि तू शरीयत को समझ कर मेरी इबादत कर सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसीन जिंदगी पर अमल कर सके। लेकिन तूने इस अक्ल को गलत चीजों में इस्तेमाल किया, तूने शराब नोशी की और ना जाने कैसे कैसे नशे लिए और तूने शरीयत मोहम्मदी से दूर हो गया, जन्नत वाले रास्ते से दूर हो गया। आज हम माशरे में देखते हैं कोई खुशी का मौका होता है या रात की मजलिस होती है, हम ना जाने उसके कैसे कैसे नशे करते हैं, शराब के खुले हुए हैं, शराब पी जा रही है, भक्त अपयोग का इस्तेमाल किया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अरफात के मैदान में 5 घंटा कड़ी धूप में खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए दुआ मांगी थी, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना, मेरी उम्मत को सही रास्ते पर चलाना, आप हम और
नशे की हालत में नमाज के वक्त शराब को हराम कर दिया गया। सहाबा इकराम समझ गए और बहुत से अक्सर सहाबा इकराम ने शराब को छोड़ दिया कि पता नहीं हम शराब पी लेंगे उसके बाद नशा कम उतरता है कम नहीं उतरता है, अगर नमाज का वक्त आ गया तो यह शरीयत के खिलाफ काम हो जाएगा। तो बहुत से सहाबा इकराम ने शराब को बिल्कुलिया खत्म कर दिया। जब देखा गया तो बहुत से सहाबा इकराम के अंदर शराब की नफरतें बैठ चुकी हैं, उसके बाद बिल्कुलिया ऐलान हो गया या अय्युहन नबी आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल असलामु रिजसुन मिन अमलिश शैतान, कि ये शराब जुआ और दीगर जो चीज़ें हैं तमाम को हराम कर दिया गया है और ये शैतानों वाला काम है। तो शरीयत ने भी आहिस्ता आहिस्ता शराब को हराम किया क्योंकि शराब अरब वालों की घुटियों में पड़ी हुई थी, सहाबा इकराम की घुटियों में पड़ी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता शराब को हराम कर दिया गया और जब बिल्कुलिया शराब को हराम कर दिया गया तो उसके बाद देखा यह गया जिस तरह नालियों में पानी बहता है उसी तरह मदीने की गलियों में शराब बह रही थी। सहाबा इकराम ने जो मटके शराब के बनाए हुए थे तमाम को बहा दिया, ये शरीयत पर अमल करने वाले थे। आज हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर बताए हुए फरमान के मुताबिक हम अपनी जिंदगियों को गुजारने वाले बन जाएंगे तो हम भी ऐसी बुरी चीज़ों से बच सकते हैं। हम कोशिश करें कि हमारा ईमान सहाबा इकराम की तरह हो। हम ये कहते हैं कि उस जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, हमारा ईमान सहाबा की तरह कहाँ हो सकता है? हमारा ईमान तो सहाबा की तरह नहीं हो सकता, लेकिन हम सहाबा इकराम की ज़िंदगी पढ़कर उस पर अमल करने वाले तो बन सकते हैं। हमको जब पता चल गया कि शराब के हराम होने के बाद नशे की चीज़ों के हराम होने के बाद सहाबा इकराम ने नशे को बिल्कुलिया खत्म कर दिया और अपने पास जो शराबें मौजूद थी उसे बहा दिया, तो हम भी एक सहाबी के बारे में आता है कि वो नशे की बोतल शराब की बोतल उठाए हुए थे और अपने मुंह तक शराब लेकर आ गए और जब उनको ये पता चला कि शराब को हराम कर दिया गया है तो उसी वक्त से शराब की बोतल को नीचे कर दिया और उसे फेंक दिया। अगर हम कोई नशा करते हैं तो आज इरादा कर ले अगर हमारे पास हमारे घरों के अंदर हमारी जेब के अंदर अगर कोई ऐसी नशे की चीज़ है, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लिया और सहाबा किराम की आदत को देख लिया, सहाबा किराम को अमल के अमल को देख लिया तो हम बिल्कुलिया इसको खत्म कर देंगे। आज से हम इरादा कर लेंगे कि माशरे के अंदर न हम खुद नशा करेंगे और अगर कोई शख्स ऐसा आपको मिलता है तो हम उसको भी नशे से रोकेंगे कि शराब हर बुराइयों की जड़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कुल्लु मुस्किन खमरुन व कुल्लु खमरिन हरामुन और बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हर वो चीज खमर है जो अक्ल को माउफ कर दे, अक्ल को खत्म कर दे। क्या तर्जुमा? कुल्लु मुस्किन हरामुन, कि हर नशा और चीज, मुस्किन कहते हैं अरबी में नशा और चीज़ों को, फरमाया कुल्लु मुस्किन खमरुन व कुल्लु खमरिन हरामुन, कि हर नशा और चीज़ ये हराम है। सिर्फ शराब हराम नहीं है, अगर हर ऐसी चीज़ जो अक्ल के अंदर खलल पैदा करती है, अक्ल को ढांप लेती है, तो हर वो ऐसी चीज़ हराम हो जाती है। तो ये अक्ल अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई अमानत है और इस अमानत में खयानत करना इसकी अक्ल को ख़त्म कर देना है, इसकी अक्ल को माउफ कर देना है, ना समझने की कैफियत पैदा कर लेना अपने दिमाग के अंदर ये अमानत में खयानत है। हम और आप इरादा करें कि हर ऐसी चीज़ों का हम बिल्कुलिया बायकॉट कर देंगे जिसमें नशा हो और हर हलाल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और अमानतों को अदा करने वाले बनेंगे और खयानतों से बचेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो असर